वेलकम टू जनरल साइंस ऑनलाइन क्लासेज। आज मैं आपके लिए जनरल साइंस के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जो आज का जो पहला प्रश्न है जो इस प्रकार से है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। जो आज का जो पहला प्रश्न है, पेट्रोल का मुख्य संघटक है, तो आपको इसका आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो पेट्रोल का जो मुख्य संगठन है वो आपको याद रखना है, जो ऑक्टेन जो है पेट्रोल का मुख्य संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है। इसका आंसर आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो आपको ध्यान में रखना है कि जर्मेनियम जो है धातु जो ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। इसका आंसर आप फटाफट से कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि उर्वरकों के निर्माण में पोटेशियम जो तत्व है उसका प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्याज लहसुन से गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, यानी प्याज व लहसुन में जो गंध होती है वो किसकी वजह से होगी, पोटेशियम की वजह से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किन तत्वों द्वारा लवणों आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस आपको इसमें ध्यान रखना, स्ट्रेंसियम जो बेरियम जो है कि लवणों आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए गए। तो इसका आंसर आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि रेडियोधर्मी तत्व जो कि भारतवर्ष में बड़े भंडार के रूप में पाया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो थोरियम जो है भारतवर्ष में बड़े बड़े भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी मोती की रासायनिक संरचना है। तो इसका आंसर आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि जो मोती की जो रासायनिक संरचना है वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई। जो इनका कवच, कठोर कवच होता है वो किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं। तो फटाफट से इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो माणिक्य और नीलम जो है रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक। तो इसका सब फटाफट से आंसर आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आपको ध्यान में रखना है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक गैस है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे, वो भोजन का निर्माण की क्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। तो आप इसका आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सिंदूर का जो रासायनिक नाम है वो है मर्क्यूरिक सल्फाइड है। क्या याद रखोगे, सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड नाम है। तो दोस्तों आज के लिए 10 महत्वपूर्ण काफ़ी हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।